अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। आंचल भर ले चलो आज जीवन सफल कर ले। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। बहुत समय से आप लोग एक एक महान विभूतियों का महावाक्य कहो, वरदानी बोल कहो, गीता में भगवान ने बच्चों को क्या कहा है, जो आप सभी को महावाक्यों की याद दिलाते रहे, स्मृति दिलाते रहे और हमें भी याद आता है कि वो समय अभी आ गया है। कौन सा? जो परमात्मा का पिता का सब आह्वान करते हैं, उनको याद करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। हम नीचे हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, हम गंदे हैं, हम बंदे हैं, क्या क्या देखो अपने प्रति जो मन में भाव प्रकट होते हैं तो वो वर्णन करते हैं, मुख से निकल आता है और परमात्मा पिता के आगे, बाप के आगे हम अपनी निचाइयों का वर्णन करते रहते हैं। और बाप की बच्चों में क्या आशा है कि मेरे बच्चे जब परमात्मा के बच्चे कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे, तो आज परमात्मा की तो कृपा सदा सभी के ऊपर रहती है और होती रहती है, तो हम सदा सुखी कैसे रहे, सदा खुश कैसे रहे। हम जिसके बच्चे हैं तो कितने न ऊंच होने चाहिए, कितने महान होने चाहिए, परंतु आज हम सभी अपने आप को देख करके भी गिल्टी कॉन्शियस फील करते हैं कि हम तो गंदे हैं, बंदे हैं, विकारी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं आप ऐसे अपने आप को क्यों सोचते हो, क्यों समझते हो, आप कितने ऊंच हो, कितने महान हो, ऐसा आपको बनना है। नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। तो देखो परमात्मा पिता हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, हमारी ऐसी श्रेष्ठ करनी हो और हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो। मनुष्य चाहे तो नर से नारायण बन सकता है, जो चाहे सो बन सकता है, जो चाहे सो कर सकता है, ये भी हम कोई कम नहीं है। तो आज हमें अपनी करनी के द्वारा नर ऐसी करनी करके नारायण बन के दिखाना है या लक्ष्मी जैसा बनना है। जीवन में ऐसे सद्गुणों को धारण करके और हमारा जीवन जो आज हमें क्या क्या अपने लिए कहते हैं, हम कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं,
परंतु परमात्मा कहते हैं नहीं, आप किसके बच्चे हो, सदैव यह याद रहे कि मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, हमारे लक्षण कैसे होने चाहिए। नर ऐसी करनी कहती है, पर करनी करे, परंतु नारायण जैसा बने, लक्ष्मी जैसे बने। हमारे जीवन का ध्येय कहो, लक्ष्य कहो, ये होना चाहिए। तो स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान योग की शिक्षा दे करके हमारे जीवन में इतने सद्गुणों की धारणा कराते हैं, हमारा श्रेष्ठ जीवन कैसे बने। मनुष्य जीवन हमारा ऊंचे है, परंतु आज देख रहे हैं अपने आप को क्या कहलाते हैं। हम पापी है, हम भिकारी है, हम कपटी है, हम गंदे है, हम मंदे है, क्या क्या देखो। मंदिरों में जा कर के, भगवान की मूर्ति के आगे जाके अपने लिए क्या सोचते हैं, समझते हैं, और परमात्मा हम बच्चों को देख करके क्या समझते हैं, क्या समझाते हैं कि आप कौन हो। तो अभी आज आप यहाँ आए हो, इतना समय सभी महानुभावों का, सभी का आपने भाषण सुने, प्रवचन सुने, क्या लक्ष्य लेकर के जाएंगे, क्या बनना है, क्या कुछ करना है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जीवन में अच्छा जो है वो तो अच्छा लगने ही वाला है, परंतु हम अच्छे बने। हम मानव से आज क्या बने, मनुष्य चाहे तो नारायण। तो हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ आप लोग टाइट करके जाना कि जैसे चल रहे हैं जीवन में, जैसे कर रहे हैं, यूं ही खाया पिया सोया दिन गंवाया व्यर्थ विचारों में, चिंतन में, परचिंतन में, तो अपना यूं ही वेस्ट समय जा रहा है। शरीर हमारा अच्छा कर्म नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे, जैसा कर्म वैसा उनको फल। तो आज हम कुछ बनने के लिए आए हैं, अपने जीवन को कैसा बनाना है, तो हमारे आगे कौन सा लक्ष्य दिया है भगवान ने कि देवताओं में और आप में कोई अंतर नहीं है। उनमें क्या है, उनमें दिव्य गुण है, अच्छे मैनर्स है। आज दुनिया में मैन है, मैनर्स नहीं है। तो इसलिए आज अपने आप को पापी है, नीचे है, कपटी है, शर्म के मारे, लज्जा के मारे हमारा कांध भी नीचे हो जाता है, और कहाँ हम बोलते क्या है, सोचते क्या है, करते क्या है। तो अब तीनों में हमारे जीवन में समानता कैसे आवे, हमारा सोच कैसा होना चाहिए। जितने सोच हमारे ऊंच होंगे, महान होंगे, तो हमारा जीवन भी, कर्म भी महान होंगे, तो हमारे लक्षण भी महान होंगे, हमारा लक्ष्य भी महान होगा। तो यहाँ सब बनने क्या आ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, यहाँ पूछा जाता है कि लक्ष्मी जैसे बनोगे या नारायण जैसे बनोगे, राधा जैसे बनोगे या कृष्ण जैसे बनोगे। तो आप सभी ने भी कुछ सोचा है, नहीं सोचा है तो आज जो इतना घंटा समय दे करके अपना अमूल्य समय दिया है, और यहाँ आप सभी बहुत शांति से सब सुनते रहे हो, तो अभी ये जीवन का निर्णय कि कुछ पा कर के रहना है, कुछ बन कर के रहना है। जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठते हैं, जागते हैं, तो पशु भी करता है, हम मनुष्य होकर के हमने क्या किया। तो इसलिए हमारा आज का आना यहाँ सफल हुआ तब होगा जब आप कुछ अपने, जैसे हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बना के लक्षण को धारण किया, और लक्ष्मण को धारण करके और नर नारायण जैसे कैसे बने, लक्ष्मी जैसे कैसे बने, ये जीवन का एक लक्ष्य रख करके अपने आप को उन जैसा कैसे बनावे। तो इसलिए आप लोग आज अपना एक ऐसा संकल्प करके जाओ
जो घर में रहते हुए भी परिवार के साथ रहते हुए हमारा घर आदर्श कैसे बने, हमारा घर स्वर्ग कैसे बने, तो ये संकल्प करके जाएंगे तो अवश्य आप अपने जीवन में सिद्धि भी प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में भी प्रसिद्धि होंगी। जो बोलना नहीं है परंतु प्रैक्टिकल में करके दिखलाना है, तो इसलिए परमात्मा अभी हम बच्चों को शक्ति भी दे रहा है, समझ भी दे रहा है, खूब प्यार से हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है। तो आप सभी ऐसा दृढ़ संकल्प करके जाएंगे तो अवश्य आपकी भी विजय होगी। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो ऐसा लक्ष्य रखने से लक्षण भी आएंगे और ज़रूर आप क्या नहीं बन सकते, जो चाहे सो बन सकती है, जो चाहे सो कर सकते हैं। व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहाँ राह भी मिलती है। तो ऐसी आपको भी आज राह हमारे वक्ताओं के द्वारा, हर एक ने अपनी अपनी विशेषताओं के द्वारा आपको विशेष बातें सुनाई है और आप भी ऐसे महान ऊंच बने, ऐसी हम सभी की शुभ भावना है, शुभकामना है और दिल से दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका जीवन धन्य हो, आपका ये जन्म हीरे जैसा हो, डायमंड जैसा हो, जो सब आपको याद करते रहे और सारा जग आपको देख करके खुश रहे, ऐसी हमारी खुशनुमा जीवन हो, ऐसा आप सभी लक्ष्य लेकर के जाएंगे और लक्षणों को धारण करके कुछ बन करके दिखाएंगे। संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, यूं ही खाया पिया सोया दिन गंवाया खा पी करके, तो ऐसा न हो, परंतु हमें विशेष कुछ करना है तो हम यही कर सकते हैं जो मेरा बाप किया चाहता है। परमात्मा पिता, उनकी हम बच्चों में बहुत आशा है, उनके आशीर्वाद के हाथ हमारे सिर पर है, तो ज़रूर हम भी ऐसे मन में वायदा करके उठेंगे, शुद्ध संकल्प करके उठेंगे कि हम आज के दिन में हम ऐसी करनी करके नर नारायण बनके, नारी लक्ष्मी बनके अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे और धन्य बनाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से उठेंगे तो आज का ये फंक्शन सार्थक हुआ हम मानेंगे, समझेंगे और ज़रूर इसकी सिद्धि आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और आपके द्वारा अनेकों के जीवन को प्रेरणा मिलती रहेगी। ऐसा धन्य धन्य आपका जीवन हो, मंगलमय हो, खुश हो, ऐसी शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ और दिल से बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। खूब फूलो फलो और खुद आगे बढ़ो, ऐसे भगवान के वचनों को, वरदानों को आप अपने जीवन में लाके और उनको भी दिखाएंगे। बच्चे हैं तो किसके, हर एक को हो मन में प्रश्न उठे, आप किसके बच्चे हो, आपके माता पिता कौन है, तो हम अपने सच्चे माता पिता का परिचय करा देवे, जिनके द्वारा ऐसा सुंदर प्रेरणादायी जीवन मिला है, एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप बने हो। तो ऐसे आपको दिल से हम भी आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। आपका अर्थक यहाँ आना सार्थक तब माना जाएगा, कहा जाएगा, जब आप आज यहाँ से उठे तो अपने संकल्पों को मजबूत करके, बलवान करके, शक्तिशाली बना के और शक्ति स्वरूपा यहाँ देवी देवता स्वरूपा जैसा सुंदर जीवन बनेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, उनके आशीर्वाद से। समय काफ़ी हो गया है, अधिक समय न लेते हुए आप सभी को फिर से संबंध संपर्क में रहने के लिए और जब जब जहाँ मौका मिल जाए तो अवश्य यहाँ का कोर्स क्लास करते रहेंगे तो आपका भी मनोबल मजबूत होगा और मन परिवर्तन हो जाएगा,
आपका जीवन धन्य धन्य होगा, ऐसी हम गारंटी दे रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं। आप सभी ने बहुत शांति से सुना, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। शुक्रिया, ओम शांति, जो हमें बुलाया और आप सभी से मिलने का मौका मिला। ओम शांति, बहुत बहुत।